डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में देश के भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम भारतीय रेलवे के साथ अंबेडकर यात्रा गौरव ट्रेन चलाने जा रही है। इस ट्रेन की शुरुआत 14 अप्रैल को होगी। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलने वाली इस विशेष ट्रेन से यात्री बौद्ध तीर्थ स्थलों और बाबा साहब से जुड़े स्थानों के दर्शन कर सकेंगे। विशेष पर्यटन ट्रेन 14 अप्रैल को सफदरजंग स्टेशन से शाम 4 बजे रवाना होगी। ये यात्रा 8 दिन बस 7 दिनों की होगी। ये ट्रेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बौद्ध से जुड़े स्थानों का भ्रमण कराएगी। अंबेडकर यात्रा भारत गौरव ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर सांची वाराणसी सारनाथ बोधगया राजगीर नालंदा होते हुए वापस दिल्ली पहुँचेंगे। सफदरजंग के साथ मथुरा व आगरा में यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन से तीर्थ स्थल तक की यात्रा बस से होगी। आगरा रेलवे मंडल की PRO प्रस्थित श्रीवास्तव ने बताया कि इस ट्रेन की क्षमता लगभग 600 यात्रियों की है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रेन में 3rd AC के कोच लगाए जाएंगे। यात्रा करने के लिए एक यात्री को 29,440 रुपये खर्च करने होंगे। यदि दो या तीन व्यक्ति एक साथ टिकट लेते हैं तो प्रति यात्री 21,650 रुपये देने होंगे। 5 से 11 वर्ष के बच्चे का किराया 20,380 रुपये रखा गया है। आगरा रेल मंडल की PRO प्रस्थी श्रीवास्तव ने बताया कि इस राशि में ट्रेन का किराया, रेलवे स्टेशन से पर्यटन स्थल तक बस का किराया, भोजन, बीमा, कहीं ठहरने का खर्च व अन्य शुल्क शामिल है। यात्रियों को शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। ठहरने के वातानुकूलित कमरे की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। नमो बुद्धा।